गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल। आज के लेक्चर का टॉपिक है कंजक्शंस। कंजक्शंस के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ कंजक्शंस और टाइप्स ऑफ कंजक्शंस देखेंगे। हम देखेंगे कि कंजक्शंस के तीन टाइप होते हैं, इन सब के बारे में भी। पहले कंजक्शंस जिसे हिंदी में संयोग कहते हैं उसका डेफिनेशन है क्या। कंजक्शंस वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को या सेंटेंसेस को एक साथ एक नया सेंटेंस बनाने के लिए। कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स सेंटेंसेस टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू सेंटेंस। एक नया सेंटेंस बनाने के लिए कंजक्शंस दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड होते हैं या दो वर्ड को जोड़ने वाले वर्ड होते हैं जिनसे एक नया सेंटेंस बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई हैव नो पेन और पेंसिल। तो यहाँ पे कर सकते हैं आई हैव नो पेन, एक सेंटेंस हो गया, पूरा मीनिंग आ रहा है। दूसरा आई हैव नो पेंसिल, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। लेकिन हम इसे बोलेंगे आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेंसिल, ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, विचित्र लगेगा। इसलिए हम इसके बदला में एक सेंटेंस बोल देंगे जो इन दोनों के जुड़ने से बन रहा है, वह है आई हैव नो पेन और पेंसिल। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है और, जिसे अंडरलाइन किया है, दिस ओ आर और विल बी नोन एज कंजक्शन। क्यों? क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कंजक्शन। अब दो वर्ड्स के बाद दो वर्ड्स कैसे जोड़ता है, तो दो वर्ड्स के लिए तो दो सेंटेंसेस होगा ही नहीं, लेकिन मतलब जरूर समझ में आ सकता है। जैसे शीला एंड सीमा आर सिस्टर्स। अब आप कहना है, आपको बताना है किसी को कि शीला है और सीमा है, दोनों के बारे में, दोनों के बारे में दोनों सिस्टर है। तो शीला इज अ सिस्टर तो कह सकते हैं नहीं, सीमा इज अ सिस्टर तो कह सकते हैं नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं शीला और सीमा दोनों को जोड़ कर कह सकते हैं आर सिस्टर्स। तो शीला और सीमा दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए एक आ गया है वर्ड, दैट इज एंड। तो इसको कहेंगे कंजक्शन, क्योंकि ये दो वर्ड शीला और सीमा को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसलिए एक अच्छा सेंटेंस बना देता है कनेक्टर, एक कॉम्पैक्ट सेंटेंस बना देता है कंजक्शन। कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड सेंटेंसेस टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू सेंटेंसेस, न्यू सेंटेंस। तो ये आप देख लिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट थ्री एग्जाम्पल्स लिखे हैं ज्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है, वहां पे दो सेंटेंसेस नहीं होंगे, उनको बांट नहीं सकते हैं। लास्ट थ्री जो लिखा है ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस का एग्जाम्पल, यहाँ पे इनके बारे में इसको दो सेंटेंसेस में तोड़ सकते हैं। जैसे राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, दो सेंटेंस कैसे होगा, राम इज पुअर पहला सेंटेंस कंप्लीट्स, दूसरा राम इज ऑनेस्ट। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कॉन्ट्रास्ट जब होता है, विरोधाभास वाला होता है, जैसे कि पुअर लोग कम से कम ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट है, विरोधाभास की बात होती है, जो परसिप्शन है समाज में, तो इसको करेंगे हम राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो कहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे प्रीपोजिशंस का यूज हुआ है और यूज करने का तरीका है उसके आधार पर उसका भेद भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल कंजक्शंस का डेफिनेशन देख लिया है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, एग्जांपल्स देख लिया है। वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जो मोस्टली यूज कंजक्शन है वह है एंड। एंड की सहायता से हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, इसलिए मैं लिखा हूं एंड इज नॉर्मली यूज टू ज्वाइन वर्ड्स। बाकी सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के बहुतेरे कंजक्शंस हैं जिसे हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो नाउ डेफिनेशन कंप्लीट्स, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। आई मीन थ्री टाइप्स होते हैं कंजक्शंस के। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इसको कोऑर्डिनेटर्स कह देते हैं एक वर्ड में। कोरिलेटिव कंजक्शंस, इसको कोरिलेटिव्स कह देते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इसे सबऑर्डिनेटर्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट करने का मतलब समन्वय करना, तालमेल बैठाना होता है, ये आप हिंदी थोड़ा सुन लीजिए। कोरिलेटिव का होता है सहसंबंधी होना, एक साथ होना, और सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटर का होता है अधीन होना, ऐसा कुछ मीनिंग होता है सबऑर्डिनेटर का। अभी तीन इसके टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस,
कोरिलेटिव कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब इनको एक वर्ड में बोल सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बदला में आप कोऑर्डिनेटर्स बोल सकते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस के बदला में कोरिलेटिव्स बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बदला में सबऑर्डिनेटर्स बोल सकते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस या कोऑर्डिनेटर्स होता क्या है, ये वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है। जो डेफिनेशन कंजक्शन का है वही डेफिनेशन यहाँ भी ला दिया है कि ये क्या करता है, वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ता है। और जो ये पिंक कलर में लिखा है एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इतना ही नहीं है, इसलिए ना मैंने फुल स्टॉप लाया है ना ETC लिखा है, क्योंकि क्लियर ही नहीं कितने इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक तरीका है, जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन हैं मोस्टली वन वर्ड वाले होते हैं, जैसे कि एंड है, बट है, एट है, फॉर है, सो है, देयरफॉर है, स्टील है, ओनली है, और है, नॉर है, एल्स है, एक ही है, एज वेल है, जिसका मतलब के साथ साथ होता है, वह एक से अधिक वर्ड का है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, तो जिन कंजक्शन से हम वर्ड्स को सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और एग्जांपल आपने देख लिया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का, एग्जांपल है सीमा इज सिंगिंग बट रीमा इज डांसिंग। सीमा गा रही है किंतु रीमा नाच रही है। तो यहाँ पे जो बट जोड़ दिया गया है दो सेंटेंस जोड़ने के लिए, यह हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके बाद वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक, तेजी से वॉक करिए एल्स नहीं तो यू विल नॉट ओवरटेक, आप पार नहीं कर पाएंगे। एल्स का मतलब नहीं तो और अन्यथा, एल्स का मतलब होता है अन्यथा। फिर है राम और मोहन इज कमिंग, तो राम या मोहन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा और कंजक्शन जो कि होगा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। कोमल एज वेल एज कमल इज रीडिंग, कोमल के साथ साथ कमल पढ़ रहा है, पढ़ रही है, यहाँ पे इसके अनुसार में नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो देख रहे हैं। फिर है द वेदर वॉज कोल्ड एट ब्राइट एंड सनी, मौसम ठंडा था, एट मतलब, एट का मतलब फिर भी, तो भी, यहाँ पे तो भी कह सकते हैं, फिर भी कह सकते हैं, अभी तक भी होता है इसका मतलब, तो भी ब्राइट एंड सनी मतलब चमकीला था, धूप वाला और चमकीला था। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस जोड़ता है। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं नॉर्मली एक वर्ड वाले होते हैं, देख लीजिए एंड, एज वेल एज, बट, एट, फॉर, सो, देयरफॉर, स्टील, स्टील की हिंदी क्या होती है, अभी तक, अच्छा है, फिर भी, यहाँ पे फिर भी होना चाहिए, फिर भी, ओनली केवल, और मतलब या, नॉर मतलब नहीं, एल्स मतलब अन्यथा, तो एट मतलब तो भी लिखा है यहाँ पे, तो भी लिख दिया है नीचे है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद है कोरिलेटिव कंजक्शंस या कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, ए अ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, अ सेट ऑफ वर्ड्स मतलब एक वर्ड, वर्ड्स का समुच्चय, समूह, एक वर्ड का समूह होते हैं, उस समूह में दूसरा वर्ड नहीं आ सकता है। टू ज्वाइन टूगेदर सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए होता है कोरिलेटिव कंजक्शंस का, वर्ड्स नहीं सेंटेंसेस के लिए होता है कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज। और क्या होता है, अ सेट ऑफ वर्ड्स होता है, देखिए जरा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आप जानते हैं नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि ये एक सेट है कंजक्शन का, जो नॉट ओनली अगर आ गया तो बट ऑल्सो उसी सेंटेंस में आना है। और इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही बोथ के साथ एंड भी आता है, बोथ के साथ एंड का एक सेट है, माफ करिए, आगे नो नॉट नेबर के साथ और आता है, यह भी एक सेट है। इधर के साथ और आता है, आप बार बार पढ़ते हैं, नीदर के साथ नोर आता है, दो के साथ एट आता है, वेदर के साथ और आता है, ये सब सेट है। अगर एक आया है तो दूसरा सेंटेंस में आएगा ही आएगा, और एक आया है जो क्रम में लिखा है उसी क्रम में आएगा, नॉट वाली पहले आएगा बट ऑल्सो बाद में आएगा। दूसरा कॉमन एरर्स में पूछ देता है, दो रहेगा सेंटेंस में और एट की जगह पे कुछ और डाल देगा, बट डाल देगा, और आप जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मैं बट लिख देता हूँ, अब हिंदी निकालते हैं, दो ही सफरिंग मच पेन,
यद्यपि वह बहुत दर्द से पीड़ित है बट ही डज नॉट कंप्लेन, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता है। तो आपको लगा अरे इसका मीनिंग तो निकल रहा है, हाँ कैसे करे ये तो सही होगा, ऐसा नहीं। दो है चाहे अल्दो है तो उसके साथ एट का प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कॉमन एरर्स में स्पॉट करते हम एरर्स को इसकी सहायता से, बहुत ईज होता है। स्पोकन में समझने के लिए बोलने के लिए आप अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो इधर और निधर नॉट बोलते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कितना स्ट्रोंग होगी, कितना इफेक्टिव होगी, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो बोथ के साथ एंड, नो नॉट नेवर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, इधर के साथ और, विद नेदर के साथ नॉट, दो के साथ एट, वेदर के साथ और, ये सब सेट ऑफ वर्ड्स है जिनका यूज करते हैं सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, इसलिए इनको कहते हैं कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स की हिंदी बताया था सहसंबंधी। सहसंबंधी क्या होता है, साथ साथ रहता है। देखिए सब साथ साथ रहता है, एक आएगा दूसरा भी आएगा इसके साथ, इसलिए इसको कोरिलेटिव्स में कह करते हैं। द कंप्यूटर इज बोथ गुड एंड चीप, बोथ के बाद एंड आना है, आ गया। जब कंजक्शन के रूप में प्रयोग होगा तब ठीक है, जब कंजक्शन के रूप में इनका प्रयोग हो रहा है तब मैं इसका मतलब बता रहा हूं और तब इसका मतलब है सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। और बोथ के साथ एंड आएगा, बोथ ऐसे भी आता है बिना एंड का भी आता है, लेकिन वो कंजक्शन नहीं होता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, तो इसलिए बोथ के साथ एंड आएगा। द कंप्यूटर इज बोथ गुड एंड चीप, जैसे मैं बताया यहाँ पे बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू प्लीज कम, मतलब आप दोनों कृपया आइए। तो यहाँ पे देखिए बोथ जो आ गया है सब्जेक्ट के रूप में आ गया है, यह कंजक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जब इनका प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में करेंगे तब इनका ये पेयरिंग रहेगा, लेकिन 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 ये जो बट नॉट ओनली बट ऑल्सो इधर और निधर नॉट दो एट वेदर और मोस्टली ये पेयर में आते हैं। ऐसे हम इधर का प्रयोग सिंगल वर्ड में भी करते हैं, लेकिन जब सिंगल वर्ड में करेंगे कंजक्शन नहीं होगा, कोरिलेटिव कंजक्शन के रूप में इनका साथ साथ प्रयोग होना है। जैसे कि आपको उदाहरण देख बताया बोथ का, फिर ऐसे ही आप नो के साथ और आता है, आप जानते हैं नो के साथ जो नो नॉट नेवर है, नो होता है नाउन के पहले, नॉट और नेवर होता है वर्ब के पहले, और फिर और आएगा। जैसे रीमा शेयर्स नो पिक्चर्स और वीडियोस, रीमा कोई पिक्चर वीडियो शेयर नहीं करती है, यहाँ पे रीमा हैज, राम हैज नेवर कम एंड गो, राम हैज नेवर, राम कभी नहीं आया है या गया है, तो यहाँ पे नेवर है तो यहाँ पे वर्ब आ गया। यहाँ पे नॉट भी कर सकते थे, राम हैज नॉट कम और गो, दोनों का मतलब एक ही होता और पेयरिंग भी हो रहा है। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया हुआ है, राम इज नॉट ओनली अ गाइड बट ऑल्सो फोटोग्राफर, राम केवल गाइड नहीं है, पथ प्रदर्शक नहीं है, बट ऑल्सो फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर भी है। ही हैज ईदर अ पेंसिल और अ पेन, उसके पास या तो एक पेंसिल है, पेन है या पेंसिल है, तो यहाँ पे ईदर के साथ और आ गया है, ये पेयरिंग हो रही है। फिर ही स्पीक्स नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी, वह न तो इंग्लिश बोलता है और न हिंदी बोलता है, यहाँ पे नीदर और नॉर का पेयरिंग हो रहा है। दो ही सफरिंग मच पेन, एट ही डज नॉट कंप्लेन, बट तो होता ही नहीं है। दो यद्यपि वह पेन बहुत अधिक पेन से पीड़ित है, एट तो भी ही डजंट कंप्लेन, वह कंप्लेन नहीं करता है, यहाँ पे एट और दो का पेयरिंग हुआ है। I don't care whether you go or stay. I don't care, मैं परवाह नहीं करता हूँ, whether चाहे, you go आप जाते हैं या ठहरते हैं, stay ठहरते हैं, चाहे आप जाते हैं या ठहरते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं whether और का यूज किया। तो हमने जितना यहाँ पे लिखा है correlatives सबका corresponding sentence यहाँ पे दे दिया है, हिंदी ही बताई है। correlatives के बाद पहला देख लिया हमने coordinating conjunction, दूसरा देख लिया कोरिलेटिव कंजक्शंस, और तीसरा इसका भेद है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या करता है, प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ता है सबऑर्डिनेट क्लॉज से, प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ता है सबऑर्डिनेट क्लॉज से। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज अ बुक, चाहे ऐसे करता हूं, This is
हाँ देसी रख, देसी जबोक। द बुक ऑन द टेबल। हाँ इज माइन। ये थोड़ा सेट सही से सेट नहीं हुआ है, दूसरा लाते हैं। सबॉर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज किसी सेंटेंस को ले लेते हैं। डोंट गेट अप बिफोर बस स्टॉप्स, तो यहाँ पे डोंट गेट अप ये हो गया, डोंट गेट अप, और दूसरा है बिफोर द बस स्टॉप्स। जितने भी हैं सब में हो जाएगा, ये तो लाने की जरूरत ही नहीं थी, इसको काट देते हैं। तो पहला सेंटेंस का ही हमने दो भाग कर दिया, डोंट गेट अप बिफोर द बस स्टॉप्स। अब प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज की बात होती है, तो इसमें जहां पे सबनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया गया है, दोनों क्लॉज रहेंगे साथ साथ। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, जो अपने में पूरा मीनिंग देता है, जो वाक्यांश अपने में पूरा मीनिंग देता है, खुद ही पूरा मीनिंग दे देता है। लेकिन सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, जो वाक्यांश अपना पूरा मीनिंग निकलवाने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर करता है, उसे बोलते हैं सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। मतलब सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज का पूरा मीनिंग अकेला नहीं आता है। देखिएगा, डोंट गेट अप यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी है, जबकि बिफोर द बस स्टॉप्स यह है एसी है, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है। कैसे, डोंट गेट अप नहीं उतरो, हो गया नहीं उतरो आदेश है, आप मीनिंग निकल रहा है। और लेकिन बिफोर द बस स्टॉप्स, तो यहाँ पे बिफोर द बस स्टॉप्स मतलब बस रुकती है उसके पहले, तो बस रुकती है उसके पहले जो हिंदी हम या मीनिंग बता रहे हैं, इसका तो मीनिंग क्लियर ही नहीं होगा अगर अकेले बात करें तो। खाली कहेंगे आपसे कि बस रुकती है उससे पहले, तो आप क्या समझेंगे, मत चढ़ो कि मत उतरो, क्या समझेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे आप। इसलिए पूरा मीनिंग निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल क्लॉज से कनेक्ट होना पड़ता है, और इनके लिए कनेक्टर होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज के पहले। ऐसे बिफोर द बस स्टॉप्स को सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, लेकिन पहले उसमें एक कनेक्टर होता है जो बिफोर है, यह है सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। कहाँ पे बिफोर है, देखिए बिफोर कहीं ना कहीं जरूर है, शुरू में ही है बिफोर। ठीक, ऐसे ही स्टूड अप एज द टीचर केम, इसको कैसे करेंगे, ही नहीं है वी है, तो वी स्टूड अप हम खड़े हुए, वी स्टूड अप हम खड़े हुए एज द टीचर केम, एज द टीचर केम, टीचर केम, तो हम खड़े हुए ये पूरा सेंटेंस मीनिंग दे रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एज द टीचर केम ज्यों ही टीचर आए, तो यहाँ पे ज्यों ही टीचर आए अगर हम बोले, ज्यों ही टीचर आए तो उसमें क्या हो सकता है, खड़े हो जाए, डर जाए, क्लास छोड़ दें, पढ़ाई शुरू कर दें, क्या करें, समझ में तो आएगा नहीं। तो इसलिए जो ही टीचर आए का मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें वी स्टूड अप से कंफर्म क्लियर करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ मीनिंग क्लियर आएगा फिर। तो जो क्लॉज अपना मीनिंग निकलवाने के लिए सब मेन क्लॉज पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर करता है, उसे सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और यहाँ सब एक एज वर्ड है जो कि सबॉर्डिनेट क्लॉज के पहले है, और यह कनेक्टर का काम कर रहा है, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। जितने हैं सबके सब उस तरह के ही हैं। ऐसे ही इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, अनटिल, टिल, सिंस, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज क्विक एज एटसेट्रा। फिर इसमें लेस्ट है, वेन, वेयर एवर है, हार्डली, स्कार्सली और वेन बिफोर। ये क्या है, हार्डली के साथ वेन या बिफोर होता है, ऐसे स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों को, इसलिए कर दिया हार्डली के साथ भी वेन बिफोर, स्कार्सली के साथ भी वेन बिफोर, और हार्डली स्कार्सली दोनों का मतलब ही एक ही होता है, मुश्किल से। हार्डली स्कार्सली का मतलब मुश्किल से होता है। तो इस तरह से हम अभी तो आगे पढ़ेंगे, आगे का जो लेक्चर नेक्स्ट आएगा, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज का जो टाइप होता है, टाइम वाला, कंडीशन वाला, कॉज वाला, रिजल्ट वाला, कंसेशन वाला, बहुत सा है, सबका भेद और सबका एग्जाम्पल देखेंगे।
टाइम वाला का तो बहुत से एग्जांपल टाइम वाला का ही है, लेकिन फिर भी हम इसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से ठीक से देखेंगे। लेकिन हमने यही देखा कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेटिंग सबॉर्डिनेट क्लॉज दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो कंजक्शन यूज करते हैं वो है सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन या सबॉर्डिनेटर्स। यहाँ पे आप आसानी से इनका पिंक कलर में इनका नाम देख सकते हैं और इधर सबको कनेक्ट किया हुआ है। एक बार पढ़कर फटाफट इसका हिंदी बताता हूँ। आई हैवन्ट सीन रीमा सिंस शी लेफ्ट दिस प्लेस। मैं रीमा को नहीं देखा हूँ जब से वह इस जगह को छोड़कर गई है। वी स्टूड अप एट टीचर के बता दिया हूँ। ही हैड स्कार्सली गॉन व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्ड। वह मुश्किल से ही गया था कि उसका फ्रेंड आ गया। नो सूनर हैड ही रिटर्न देन ही वॉज ऑफ अगेन। नो सूनर देन ही रिटर्न, जो ही वो आया था वैसे ही वह अब फिर चला गया। आज ही एंटर द रूम ही मेट मी, जैसे ही वो उसने रूम में एंटर किया वह मुझसे मिला। वेन वी सो द टाइम, जब हम समय देख वेन ही सो द टाइम, जब उसने समय देखा ही वॉज अफ्रेड, वो भयभीत था। ही रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन। ही रिटर्न होम, वह घर वापस आ गया जब ही हैड गॉन, जब वह जा चुका था। He had returned home after he had gone. उसके घर जाने के बाद वह घर आ चुका था। यहाँ दो नाम होना चाहिए था, he और ये, he दो अलग अलग नाम होना चाहिए था। आगे, राम में go wherever he likes। राम जा सकता है जहाँ भी वह पसंद करता है। Walk slowly lest you should fail। धीरे धीरे चलो अन्यथा, नहीं तो You should fail, आप गिर जाओगे। तो इस तरह से जो sentences हैं, यहाँ पे lest हो गया, wherever हो गया, after हो गया, इधर when हो गया, इनका position first में भी होता है, बीच में भी होता है, कहीं भी होता है, last में तो नहीं होता है। I'd हो गया, I soon, और फिर then यहाँ पे pairing होता है इसका, फिर scarcely के बाद when आ गया है यहाँ पे, इधर as है, ये सारे के सारे subordinate conjunctions हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सबॉर्डिनेट कंजक्शंस और जितने हैं उन सब का, टाइम वाला का, कंडीशन वाला का, रिजल्ट वाला का, सब का एग्जांपल, सब का सेंटेंस, सबको समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ दे आर कनेक्टिंग विद प्रिंसिपल क्लॉज, और उसके बाद जो मेन कंजक्शंस हैं उनके यूज भी पढ़ेंगे, जैसे इधर और निधर नॉर एटसेट्रा, जो मेन मेन कंजक्शन है जिनका प्रयोग बार बार करते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।